एक दिन बारिश गिरी और कान में इतना सा कह गई कि गर्मी ज्यादा दिन नहीं रुकती, चाहे भले से फिर सूरज ही क्यों ना। एक बार की बात है, एक लड़का था, बहुत ही गरीब था और बहुत परेशान था अपनी इस गरीबी को लेकर। लेकिन हालांकि कुछ कर नहीं पा रहा था खास, क्योंकि उसको समझ नहीं आता करें कैसे। उसका कुछ पैसे नहीं थे कि बाहर जाके कुछ करें। लेकिन एक दिन अखबार जब पढ़ रहा था, उसने देखा कि कोई इंटरव्यू निकला और अच्छी जॉब के लिए। तो उसने सोचा मैं ये इंटरव्यू दे के आता हूँ और इससे अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं अपनी गरीबी और अपने परिवार को अच्छे से चला पाऊँगा। कुछ अब उसने अपने घर में पैसे की जुगाड़ करी, देखा पूरा घर ढूंढ लिया, उसको जाके कहीं जाके 50 रुपये की जुगाड़ हुई। और उसके जो भी कपड़े थे पुराने, जितने भी कपड़े जोड़ी कपड़े थे, उनमें से एक अच्छी से साफ सुथरी ड्रेस निकाली और वो पहन ली और 50 रुपये जेब में रख के निकल लिए घर से। जब गांव के बाहर बस स्टॉप पे गए तो वहाँ पे खड़ा सोच रहा था कि मैं 50 रुपये तो शहर नहीं जा पाऊँगा इंटरव्यू देने, क्या करूँ और कैसे करूँ, सोच रहा था खुद, थोड़ा उदास था। तो सामने ही जाके देखा उसने, बस स्टैंड के सामने एक मंदिर था। उसने सोचा भगवान मुझे कुछ देते नहीं है, मैं जाके मंदिर में कुछ भगवान को ही कुछ दे के आता हूँ। और चला गया गुस्से में मंदिर। जब मंदिर के अंदर गया तो भगवान से बोलने लगा, तूने तो मुझे कुछ दिया नहीं, तू ही बता मुझसे क्या चाहिए, मैं जो भी दे पाऊंगा जान भी दे दूंगा, अब मुझसे ये गरीबी सहन नहीं होती। और ऐसा बोल के गुस्से से बाहर निकल आया। जब मंदिर के बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि लाइन से बहुत सारे भिखारी बैठे हुए और हर एक भिखारी के कटोरे में बहुत सारे पैसे। जब ऐसा देख के उसने तो पीछे मुड़ के मंदिर की तरफ बोला, अरे भगवान जिसको जरूरत है उसको तो तू दे नहीं रहा, और जिसको जरूरत नहीं है उसको इतना सारा पैसा। उन्हीं भिखारियों में से एक भिखारी ने उसके लड़के की बात सुनी और बोला, बेटा क्यों परेशान हो, क्या चाहिए तुम्हें। लड़के ने बोला, नहीं बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ परेशान नहीं हूँ। नहीं, उस भिखारी ने बोला, नहीं बेटा बताओ मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने पैसे हैं मुझे इतने की जरूरत नहीं है, मुझे 2 टाइम का खाना चाहिए होता है और कुछ दवाइयाँ चाहती हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ थोड़ा। तो लड़के ने बाबा की बात सुनी और लड़के ने बाबा से 500 रुपये ले लिया और बाबा को बोला, बाबा मैं आपसे 500 रुपये ले तो रहूँ, मैं जब इंटरव्यू देके आऊँगा जब भी मैं आपको ये वापस जरूर करूँगा। बाबा जी ने कहा, ठीक है बेटा जाओ। और वो शहर चला गया इंटरव्यू देने। वहाँ जाके जब इंटरव्यू दिया, उसको सिलेक्शन भी हो गया तो बहुत ही खुश हुआ और खुशी से झूमने लगा। जब वापस लौटा तो उसने सोचा, क्यों ना पहले बाबा को जाके धन्यवाद करूँ और उनसे मिलूँ, फिर घर जाऊँगा। जब मंदिर के बाहर देखा तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। उसने पास जाके देखा तो पता चला कि कोई भिखारी मर गया है। वहां पे जाके जब उसने अंदर भीड़ से जब अंदर गया देखा तो वो तो वही बाबा मरे हुए थे जिनसे उसने पैसे उधार लिए थे। कोई भीड़ से बोला, शायद बाबा ने खाना नहीं खाया इस वजह से मरे। कोई बोला कि ठंडी की वजह से मर गए। कोई बोलता है कि इन्होंने दवाइयाँ नहीं ली होंगी पैसे ना होने की वजह से इसलिए मर गए। तो ऐसा सुन रहा था लड़का, तो लड़के को बहुत पछतावा हुआ, बहुत दुख भी हुआ कि मुझे मदद करने के लिए बाबा ने अपने खुद जान दे दी। और भगवान को बोला, भगवान आपने मेरी मदद करने के लिए गरीब इंसान की जान ले ली, ऐसा बोला। वो अपने घर चला गया। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि मुसीबत ज़्यादा दिन नहीं रहती। कितनी बड़ी मुसीबत हो आपके जीवन में, कभी भी कोई भी चीज़ को लेके वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगी। सो आप प्रयास निरंतर करते रहिए उस चीज़ को, जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए हमेशा तैयार रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। ये वीडियो पसंद आया आप उसको तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा।